पापा? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। सुंदरी रखी टोपी के बारे में सोच रहे हैं ना? मेरे वीरा की टोपी है ही ऐसी, सबको उसे पहनने का मन होता है। मुझे नहीं होता। झूठ मत बोलिए। मन हो गया है ना तो बोल दीजिए। वीरा भी गया नहीं होगा, उसे बोल दूंगी ना तो ऐसे ही टोपी लेकर आएगा। वीरा! पागल हो गया क्या? अरे उसमें पागल क्या, अब शर्मा रहे हैं ना। अरे वीरा घर का ही है। मुझे तेरे वीरा की तरह टोपी पहनना और पहनाने का कोई शौक नहीं है। वैसे आपको भी कभी कभी टोपी पहननी चाहिए, अच्छा लगेगा। तेरा भाई टोपी पहनाता है उतना काफी है। क्या मतलब? उसने अभी टप्पू को टोपी पहनाई, वो काफी है। बच्चों को टोपी अच्छी लगती है। आप भी तो अभी बच्चे ही है ना। क्या बोल रही है तू, है? मुझे क्या छोटा बच्चा समझा? क्यों, दिल से आप बच्चे ही है ना। बच्चे है ना, है ना, है ना। पहले तू बड़ी हो जा, फिर मुझे बच्चा बना। और अपना बच्चा कहाँ है? तेरे वीरा को नीचे छोड़ने गया कि उसके साथ अमदा बच्चा लग गया। टप्पू सोनू, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है, इस मंडे से हम लोग कॉलेज जाएंगे। ओ यार, सच में यार, मैं भी यही सोचती रहती हूँ। कितनी डिफरेंट होगी ना कॉलेज की दुनिया। ओ यार, एकदम फिल्मों जैसी। वो स्कूल के यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म कुछ नहीं, एकदम कलरफुल और फैशनेबल कपड़े, एकदम वरुण धवन और आलिया भट्ट जैसे। करेक्ट करेक्ट, हमें भी ऐसे ही फैशनेबल कपड़े पहन के जाना पड़ेगा। एक्चुअली टप्पू, वो देख कौन आया। और टप्पू कैसा है? सबसे पहले तो तुम तीनों को एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन मिलने के लिए कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू गोकु। थैंक यू। और हाँ टप्पू, हमारा एडमिशन भी एमके गांधी कॉलेज में ही हुआ है। ओह दैट्स ग्रेट, तुम लोगों को भी कांग्रेचुलेशंस। हां कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अरे टप्पू, मंडे को अपना कॉलेज खुल रहा है, कुछ शॉपिंग वॉपिंग किया कि नहीं? अरे नहीं यार, अभी तक नहीं की। क्या तुम कॉलेज में चड्डी पहन के जाओगे? अरे बड़े हो जाओ, तुम लोग अभी स्कूल में नहीं हो। और कॉलेज में कोई यूनिफॉर्म नहीं होता है, स्टाइल वाले कपड़े पहन के जाना पड़ता है। अरे पता है पता है, मैं आज ही मेरी मम्मी के साथ शॉपिंग करने जाने ही वाला हूँ। मैं भी। मम्मी के साथ? टप्पू, मम्मी के साथ तो दूध पीने वाले बच्चे शॉपिंग करने जाते हैं, तुम तो कॉलेज में आ गए हो। मम्मी का पल्लू छोड़ो, वरना बच्चे के बच्चे ही रह जाओगे। कॉलेज में आने के बाद सब खुद से शॉपिंग करने जाते हैं। टप्पू, खुद की सोच बनाओ और अपना शॉपिंग खुद करो। आज की लेटेस्ट फैशन के बारे में हमारे पेरेंट्स को थोड़ी ना पता है कुछ। पेरेंट्स से सिर्फ पैसे मांग लो। हाँ, और ये देखो, हमने तो हमारे पेरेंट्स से पैसे भी मांग लिए हैं। हमें और भी काम है, हम चलते हैं। बाय 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 बाय। फ्रेंड्स, मैं क्या कहता हूँ, हमारे कपड़ों की शॉपिंग करने पे हम खुद ही जाते हैं। हम अकेले जाएंगे? हाँ, लेकिन मैंने कभी आई के बिना शॉपिंग की ही नहीं है। हाँ, मुझे भी शॉपिंग करवाने मम्मी पापा ही लेके जाते हैं, पर मुझे गोपू सेना की बात सही लगी। हाँ, हमें गोपू सेना की तरह अकेले शॉपिंग करने जाना चाहिए। अरे हम लोग कॉलेज में आ गए फ्रेंड्स, अब हम बड़े हो गए। मैं तो कहता हूँ मम्मी पापा से बात करते हैं और पैसे मांग लेते हैं। हाँ, उनसे कहेंगे कि हमें पैसे दे दो, हमारी शॉपिंग हम खुद कर लेंगे। नहीं, बाबा नहीं मानेंगे। अरे सोनू, तू अपने बाबा से इतना क्यों डरती है? अभी हम लोग बड़े हो गए, उन्हें बोल हम लोग सब साथ में शॉपिंग जाने वाले, तो फटाक से मान भी जाएंगे और पैसे भी दे देंगे ना। हाँ ठीक है। तो फ्रेंड्स तेरा, हम लोग हमारी शॉपिंग खुद करने जा रहे हैं। मैं मेरे पापा के पास से अब भी पैसे मांग लेता हूँ। हाँ, कहाँ पहुँचे? बस बस बस, आ तो अंदर आइए। और कंपाउंड में आते ही बाएं हाथ पे वो बी विंग है, उस पे पहले माले पे हमारा घर है। आइए। हाँ, देखा है ना? आइए, ठीक है ठीक है, आइए। क्या क्या हुआ टप्पू के पापा, कौन आ रहे हैं हमारे घर पर, किससे पता समझा रहे थे? अभी पता चल जाएगा, टप्पू के लिए एक बहुत जबरदस्त सरप्राइज है। टप्पू के लिए सरप्राइज? क्या है, क्या बताइए ना। अरे बताता हूँ, जरा टप्पू को तो आने दे, फिर बताता हूँ मैं। पापा,
पापा अभी बताइए, चलिए। पापा मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या क्या बोल? पापा मैंने आपको सुबह बोला था ना कि कॉलेज के लिए नए कपड़े लेने हैं, तो तूने तो मेरे मन की बात जान ली। ये तो हो ही हो क्या? वो एक शब्द है ना उसके लिए। क्या पापा? अरे वो नहीं, वो दो लोगों को एक ही टाइम पे एक ही टाइप के विचार आते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ पोथी पोथी हो। होमिया पोथी? नहीं नहीं, होमिया पोथी नहीं भाई। वो टप्पू के पापा सच कह रहे हो? वही है। नहीं 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 मम्मी, होम्योपैथी नहीं, टेलीपैथी। टेलीपैथी, ये तो वही बात हो गई, टेलीपैथी। तू जो सोच रहा था मैं भी वही सोच रहा था। मतलब तू अपने नए कपड़े के बारे में सोच रहा था, मैं भी तेरे नए कपड़े के बारे में सोच रहा था। अरे वाह सच्ची। हाँ दीका, अभी तू यहाँ पर आया ना, उसके पहले पापा सरप्राइज के बारे में ही बता रहे थे मुझे। सरप्राइज? क्या बात है पापा, कौन सी सरप्राइज है? बताए ना पापा, प्लीज बताए ना, क्या सरप्राइज है? एक दो मिनट रुक, अभी पता चल जाएगा। बेटा जी, मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए आइए, अंदर आइए अंदर आइए। आइए आइए। टप्पू सरप्राइज के लिए तैयार? ये सरप्राइज है? अरे नहीं नहीं, ये तो मास्टर जी है। ओ आपके टीचर? अरे नहीं नहीं, अरे टीचर नहीं है, वो कपड़े सिलते है ना वो वाले मास्टर जी है। लाइए मास्टर जी, सरप्राइज दीजिए। जेठालाल जी, कल तक ऐसी और कपड़े की 5 जोड़ी तैयार करके आपके घर पर पहुंचा दूंगा। हाँ लेकिन कल का परसों नहीं होना चाहिए। हा? मेरा बेटा सोमवार से कॉलेज जाने वाला है, रोज नए नए स्टाइल के कपड़े पहन के जाएगा मेरा बेटा। जेठालाल जी डोंट वरी, हो जाएगा। ओके मैं चलूं? ओके मास्टर जी, थैंक यू। बाय बेटा, बाय बाय। ओके ओके, थैंक यू। बहुत अच्छे है मास्टर जी। बेटा ये ले, इसमें तेरे नए कपड़े हैं, पहन के दिखा। फिटिंग फिटिंग बराबर है क्या? नहीं कुछ ऊपर नीचे कम ज्यादा करना पड़े तो मास्टर जी को बोल सकते हैं ना? यस यस पापा, यस। पापा थैंक यू पापा, थैंक यू, लव यू। बेटा मजा कर, तू मजा कर। मेरा बेटा, अरे वहां क्यों खड़ा हो गया? आजा आजा आगे आजा आगे आजा। आहा शाबाश, देख देख कैसा हीरो लग रहा है मेरा बेटा। हंस क्या रही है? टप्पू के पापा, टप्पू कॉलेज ऐसे कपड़े पहन के जाएगा, ऐसे कपड़े। ऐसे ऐसे क्या कर रही है? अरे टप्पू के पापा, कॉलेज में बच्चे मस्त जींस, रंगीन टी शर्ट, ऐसे सब कपड़े पहन के जाते हैं। हाँ भाई वही तो, टप्पू भी जींस और टी शर्ट पहन के कॉलेज जाएगा तो भीड़ में खो जाएगा। अरे ऐसे कपड़े पहन के जाएगा तो भरी भीड़ में भी अलग से चमकेगा, लोग दूर से ही पहचान लेंगे, वो देखो टिपेंद्र आ रहा है। और बेटा ये तो सादा शर्ट है, बाकी के शर्ट मैंने बनाने को दिया ना, मास्टर जी को बोला एकदम तबियत सब बनाना, डायमंड डायमंड एकदम भरपूर उपयोग करना, चमका देना पूरा सब शर्ट। नहीं नहीं पापा, मैं ऐसे कपड़े पहन के कॉलेज नहीं जा सकता। क्यों? अरे क्यों क्या पापा, मैं ऐसे कपड़े पहन के कॉलेज गया तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे। अरे तेरा बाप रोज ऐसे कपड़े पहन के दुकान जाता है, कोई हंसता है क्या? अरे सब उल्टा तारीफ करते है। तुझे पता है पूरी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में मेरे कपड़े की चर्चा होती है, सब लोग एक ही बात बोलते है, कपड़े हो तो जेठालाल जी जैसे वरना ना हो। हाँ बराबर है टप्पू के पापा, पर क्या है, टप्पू जब बड़ा हो जाएगा और आपकी तरह दुकान जाएगा ना, तब टप्पू आपके जैसे ही कपड़े पहनेगा। हाँ लेकिन अभी जरा इसे अपनी पसंद के कपड़े पहनने दीजिए ना। हाँ पापा। टप्पू दीका, आज हम दोनों तेरे लिए शॉपिंग करने जाएंगे। नहीं मम्मी, तुमसे मुझे पैसे दे दो, मेरे कपड़े की शॉपिंग मैं खुद करूंगा। अकेले? हाँ। क्या? हाँ नहीं भाई नहीं, तू अकेला शॉपिंग करने नहीं जा सकता। अरे पापा मैं भी दूध पीता बच्चा थोड़ी हूँ, मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मैं अपनी शॉपिंग खुद कर सकता हूँ। बेटा तू कुछ भी बोल,
तू अकेले शॉपिंग करने नहीं जा सकता, तुझे अकेले शॉपिंग करने जाने के लिए पैसे नहीं मिल सकते। ठीक है, आप पैसे नहीं दे सकते तो आपका क्रेडिट कार्ड दे दीजिए। क्रेडिट कार्ड? तुझे मेरा क्रेडिट कार्ड चाहिए? तेरी हिम्मत कैसे हुई? थोड़ा जोखमी है इसलिए मम्मी मैं तो पहले से पैसे ही मांग रहा हूँ। पापा दे दीजिए ना पैसे। क्या दे दीजिए, नहीं दे सकता। तेरा अकेला शॉपिंग पे जाने का निर्णय गलत है। अरे पापा अकेले मतलब मैं अकेला नहीं, मेरे साथ गोली और सोनू भी आ रहे हैं। सोनू और गोली भी है? हाँ। तो बेटा तुम लोगों का ये अकेले शॉपिंग पे जाने का प्रोग्राम हो चुका। क्या मतलब? भीड़े अंकल सोनू के हाथ में चार आना नहीं देंगे, और हाथी भाई भी डॉक्टर है, पढ़े लिखे, वैसे अकेले शॉपिंग पर जाने की जिद को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देंगे। ये तुम्हारी जरूरत नहीं जिद है गोली, और मैं तुम्हें ऐसे पैसे नहीं दे सकता। पर बेबी हमेशा तो मेरे साथ शॉपिंग जाता था, तो आज तुझे ऐसे क्या शॉपिंग करनी है? अरे मम्मी अब मैं कॉलेज में आ गया हूँ, अब मैं लेटेस्ट कपड़े और शूज पहनूंगा। फैशनेबल कपड़े? अरे अभी तो तेरे लिए लिए थे कपड़े। सही बात है बेटा, अभी तो लिए थे ना। अरे मॉम वो सब कपड़े मुझे टाइट हो रहे हैं, अगर टाइट कपड़े मैं कॉलेज में पहन के जाऊंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। पहले हम लोग लेटेस्ट कपड़े और शूज खरीदेंगे, उसके बाद सैलो में जाएंगे। सैलो? सैलो सैलो सलून। अच्छा सलून, क्यों? हेयर कट करवाने। ठीक है गोली, हेयर कटिंग ही कराने है ना, तो अपने नाके पे है ना मुन्ना हेयर कटिंग एंड सलून, बचपन से तो वही कराते हो, वहाँ करा लेना। नहीं नहीं पापा, मुन्ना अंकल सिर्फ हेयर कटिंग करते है, मुझे तो हेयर स्टाइलिंग करवानी है। ओह माय माय। ओके, तुम्हें हेयर स्टाइल कराना है ना, ऐसा हेयर स्टाइल कराना है ना कि लोग तुम्हारे बालों को नोटिस करें। करें। ओके, मैं तुम्हारा स्पेशल हेयर स्टाइल करके देता हूँ। स्पेशल हेयर स्टाइल? आप? यस। पापा डॉक्टर होके हेयर कट करेंगे? यस बेटा, गांधी जी राष्ट्रपिता होके अपने बाल खुद काटते थे, और मैं तो सिर्फ डॉक्टर हूँ। और गोली बेटा जब मैं स्टूडेंट था ना तो हॉस्टल में मैं अपने बाल खुद काटता था, मजा आता था। गोली बेटा तुम्हारी स्पेशल हेयर स्टाइल मैं करके देता हूँ। कौन सी स्पेशल हेयर स्टाइल पापा? बस बेटा दो मिनट बैठो, अभी बताता हूँ। अरे बैठो बैठो अभी। पापा क्या कर रहे हो? अरे नहीं बेटा उतारो मत, ऐसे ही रखो, इससे होगा तुम्हारा स्पेशल हेयर स्टाइल कटोरा कट। कटोरा कट? यस बेटा, ये जो तुम्हारे सर पे कटोरा है ना, इसके अंदर जो बाल है वो सारे बाल रह जाएंगे, बाकी सारे बाल जो साइड वाले है ना सारे बाल को धीरे धीरे कट कर दूंगा, और उसके बाद ये कटोरा जो है इसको हटा दूंगा, ये जो अंदर बाल है ना वो ऐसे देखेंगे मत पूछो, एकदम स्पेशल कट कटोरा कट, बहुत अच्छे लगेंगे। यस। तो मिस्टर गुलाब कुमार अब शुरू करते हैं तुम्हारी स्पेशल हेयर स्टाइल। पापा क्या? कटोरा कट। अरे पापा मुझे कटोरा कढ़ाई पटेली कोई कट नहीं करवाना है, मुझे अपनी स्टाइल खुद जाके करवाने दीजिए ना। गोली बेटा लेटेस्ट हेयर स्टाइल ऐसा ही होता है कुछ अलग, मैं भी गोली हॉस्टल में ऐसे ही कटोरा कट करके घूमता था, सब मेरी तरफ देखते थे। जो भी हो मुझे कटोरा कट नहीं करवाना, मतलब नहीं करवाना। क्यों? क्योंकि मुझे मन की हेयर स्टाइल करवानी है। मंकी? क्या बात कर रहे बेटा, मंकी स्टाइल? पापा मंकी स्टाइल नहीं, मेरे मन की स्टाइल, फंकी स्टाइल। और वो मुन्ना भाई हेयर कटिंग वाले को फंकी हेयर स्टाइल करने नहीं जमेगी। गोली मम्मी पापा को समझाइए ना। बेबी आई एम हैप्पी कि तू बड़ा और इंडिपेंडेंट हो रहा है, पर तू इतना भी बड़ा नहीं हुआ है बेबी कि तू अकेले शॉपिंग और स्टाइलिंग के लिए जाए। सही बात है बेटा। ये सब तू कैसे कर लेगा बेटा? मम्मी मैं कर लूंगा, पापा मान जाइए ना। बेटा मैं तो मान भी जाऊं लेकिन दूसरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। हाँ। टप्पू जब जेठा भाई को ये बात बोलेगा तो उनका तो दिमाग ही घूम जाएगा, और बड़े मास्टर तो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो तो कभी नहीं मानेगा। पर पापा वो लोग मान गए तो? ठीक है,
अगर वो लोग मान गए तो फिर मैं भी तुम्हें पैसे दे दूंगा शॉपिंग करने के लिए। मैं जरा भिड़े मास्टर से मिल के आता हूँ। बोल दिया पैसे दीजिए मने। मैं पैसे हरगिज नहीं देने वाला, मने अकेले शॉपिंग करने के लिए जाना। लेकिन बाबा मैं अकेले कहाँ जा रही हूँ, टप्पू और गोली भी तो है ना साथ में। अभी तो टेंशन है, पर मुझे एक बात बताओ सुनू, हमेशा तुम आई के साथ जाती हो ना शॉपिंग करने के लिए, ये अचानक अकेले क्यों जाना है तुम्हें? तुम तीनों में से किसका प्लान है ये? बाबा ये हम तीनों का प्लान है। लेकिन आइडिया नक्की टप्पू का ही होगा, माधवी ये टप्पू के दिमाग की उपज है। बाबा ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी अब हम बड़े हो गए, हमारी शॉपिंग हम खुद कर सकते हैं। देखा बड़े हो गए ये लोग। हाँ देखो टप्पू सोनू, नहीं मैं बराबर बोल रहा हूँ, ये टप्पू ही बोल रहा है, ये सोनू नहीं बोल रही है। बड़े हो गए मने, अरे शॉपिंग करना बच्चों का काम नहीं है सोनू, शॉपिंग करने में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, भावताल करना पड़ता है, एक एक चीज देख परख के लेनी पड़ती है। अरे हमारे जमाने में इन शॉर्ट सोनू अकेले शॉपिंग करना आसान नहीं है बड़ा, हो कि नहीं हो? हाँ जरा समझाओ, तेरा समझाओ भिड़े मास्टर। अरे भाई भिड़े मास्टर, ये बच्चों ने क्या जिद लगा रखी है भाई अकेले शॉपिंग करने जाने की। बगा ना, तुम सोनू को पैसे देने वाले हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि मैं तो जेठाल को भी मना करने वाला हूँ कि टप्पू को पैसे ना दे। सही बात है, टप्पू नहीं जाएगा तो ये लोग भी नहीं जाएंगे। हाँ कोई नहीं जाएगा, ये टप्पू ही सबको उकसा रहा है आती भाई, और ये बच्चे उसकी बातों में आ जाते हैं। बाबा बाबा क्या बाबा? आती भाई मुझे लगता है हमें जेठाल से बात करनी पड़ेगी इस मामले में। हाँ बिल्कुल सही बात है। आओ जरा, तू टेंशन घेऊ नको, मैं शांति से ही बात करूंगा। अरे शुरू हुआ नहीं और ये हाल है, पता नहीं आगे जाके क्या क्या हंगामा होगा। चलिए चलो चलते चले। क्या क्या सोच रहे हो? ए, मास्टर अभी अभी एक माला चढ़ के आया हूँ, फिर एक माला उतरूं, फिर एक माला चढ़ू। हाँ आए तो एक काम करते हैं, आप मेरी बालकनी में जाइए, मैं जेठाल को उसकी बालकनी में बुलाता हूँ, फिर बालकनी टू बालकनी बात करते हैं। नहीं नहीं भिड़े मास्टर, ऐसे मामले में फेस टू फेस बात होनी चाहिए, बालकनी टू बालकनी सही बात नहीं है। नहीं है ना, मत चला निकू आप, चला चला। आहो हाँ मैं समझ गया, मैं शांति से ही बात करूंगा। परमेश्वरा अब कोई नया हंगामा शुरू हो जाए। जेठालाल, ओ जेठालाल आइए आइए भिड़े भाई आइए। जेठालाल कहाँ जाए भाभी? क्या हुआ भाई क्यों चिल्ला रहा है? जेठालाल तैयार है। क्या तैयार है? अरे दया ओ मेंटेनेंस का चेक दे। हेलो मैं यहाँ पे मेंटेनेंस का चेक लेने नहीं आया हूँ। तो किस लिए आया है? हम लोग यहाँ पे ये हम लोग कहाँ रह गए? अरे आइए ना आती भाई, आइए आइए आइए, चलिए अपना तय हुआ है ना कि फेस टू फेस बात करनी है। आइए आइए आती भाई आइए। कैसे हैं जेठू भाई? अरे खड्डे गए कैसे? हम लोग यहाँ पे कैसे हो पूछने आए हैं? नहीं, नहीं, नहीं। तो क्या पूछने आए हो? नहीं नहीं हम लोग कुछ पूछने नहीं आए जेठालाल, हम लोग शिकायत करने आए टप्पू की। क्यों क्या किया उसने? तुम्हारा टप्पू दूसरे बच्चों को गलत चीजें सिखा रहा है। भाई टप्पू तेरा ही विद्यार्थी है, तुझसे जो सीखा होगा वही दूसरों को सिखाएगा ना वो। कमाल है जेठालाल, ये मजाक का विषय नहीं है, मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। पता है आज सोनू ने कहा कि वो अकेले शॉपिंग के लिए जाएगी, आई के साथ नहीं जाएगी। उसने मुझसे पैसे मांगे शॉपिंग के लिए, और गोली भी मुझसे पैसे मांग रहा है। मुझे पक्का यकीन है गोली और सोनू को तुम्हारे टप्पू ने ही चाबी भरी। अरे गोली और सोनू क्या चाबी वाला खिलौना है जो टप्पू उनमें चाबी भरेगा? टप्पू के पापा आप शांति रखिए जरा। अरे भाई क्या शांति रखिए, कैसी बात कर रहे हैं देखना, अपने मन से कुछ भी धार लेता है। क्या 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 धारी क्या? अरे तुझे मगज से जरा धार काटता माइती पटनार में काय बोलते थे। मारा मगज नी धार तो काढ़ी लीचे जेठालाल, तारा मगज नी धार काढ़। अरे कच्ची मारो ना मगज नी धार तो भगवान ऊपर से काढ़ी ने मोकले छे। मित्रों भड़कते हुए भिड़े जेठालाल से भिड़ चुके हैं क्योंकि बच्चे शॉपिंग करने की जिद कर चुके हैं। भाई भिड़ो को लगता है ये टप्पू की करतूत, लेकिन टप्पू सेना पे चढ़ा हुआ है अकेले शॉपिंग करने का भूत। पेरेंट्स आसानी से पैसे देने वाले नहीं है, लेकिन बच्चों को लगता है उनकी बात सही है। अब बचने वाला है कोहराम, देखना है क्या होता है अंजाम, क्या पेरेंट्स बच्चों से अपनी बात मनवा लेंगे या बच्चे मनमानी करके उनसे पैसे निकलवा लेंगे। अब देखना यह है कि क्या बच्चों को पैसे मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो वो शॉपिंग किस तरह से करेंगे। इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। आप हो सर देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.